नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती जीरो जनपद के लिए एक अपडेट और है। अपडेट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा पहले आप ये जान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 11 नवंबर यानी कि सोमवार को सीजे साहब बैठ रहे हैं लखनऊ बेंच में, और उसके बाद अगली जो लिस्ट आई है वो 12 नवंबर यानी कि मंगलवार को छुट्टी है, सभी जगह पर सरकारी छुट्टी है कार्तिक पूर्णिमा की। उसके बाद जो नेक्स्ट तारीख है यानी कि 13 नवंबर, तो 13 नवंबर की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, तो वो हम देखने वाले हैं डेली कास्ट लिस्ट 13 नवंबर की, कि क्या अगले दिन जो सीजे साहब बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन बैठेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर चांस बनते हैं जीरो जनपद का यानी कि जिला वरीयता का जो ऑर्डर है उसके आने का। क्योंकि अगर यहाँ पर सीजे बेंच में नहीं बैठते हैं तो फिर जानते हैं आपकी ऑर्डर आना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगले दिन की जो डिटेल है उसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, और ये देखिए हमने कैप्चर कोड डाला है सबमिट जैसे ही करते हैं, और ये देखिए पहला कोड सेलेक्ट करते हैं सीजे बेंच का। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 13 नवंबर 2019 को जस्टिस साहब यानी कि सीजे साहब यहाँ पर बैठ रहे हैं 13 नवंबर को डेली कास्ट लिस्ट की लिस्ट के अनुसार। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मंगलवार को भी सीजे बैठ रहे हैं, तो अब यहाँ से अनुमान यह लगाया जा सकता है कि इस जो आने वाला सप्ताह है, इस सप्ताह पूरे दिनों तक सीजे साहब लखनऊ बेंच में बैठेंगे। अगर कोई परिवर्तन होगा तो आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो देखिए जो केस है जिला वरीयता का वो लिस्ट होगा यहाँ पर आपका, जो सीजे की ये जो लिस्ट है वो जो डेली टू डेली आती है एप्लीकेशन की, वहां पर आपका लिस्ट होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर लिस्ट होके आएगा, जो अभ्यर्थी ये देख पा रहे हैं उस प्रकार से उसको देख पाएंगे। देखिए इस पे जैसे यहाँ पर आने के बाद आप क्लिक करेंगे तो ये एडिशनल जो कास्ट लिस्ट है, ठीक है, एडिशनल कास्ट लिस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर केस लिस्टेड होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा अभी 8 तारीख तक की लिस्ट ये आ गई है, और जैसे ही आगे की आएगी आगे की अपडेट होगी तो 8 तारीख को अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप जैसे ही डालेंगे इस कैप्चर कोड को, पूरी डिटेल से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप भी इसको चेक करते रहें, ठीक है। तो मैं आप देखिए हम इस कैप्चर कोड को डालते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोड आ जाएगी आपकी। तो जैसे ही यहाँ पर आपकी जो ये कोड है एडिशनल कास्ट लिस्ट आ जाएगी तो यहाँ पर एडिशनल कास्ट लिस्ट में ही आपको देखना रहेगा, ठीक है। ये कोड नंबर 7 का यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है, तो आपको सीजे बेंच यहाँ पर चेक करनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे चेक करेंगे, जैसे फॉर ऑर्डर ये लिख कर आ रहा है तो यहाँ पर केस संख्या वो लिख कर आएगी जिसके बारे में हमें जिला वरीयता का जो ऑर्डर है वो हमें चाहिए होगा, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप इसी प्रकार से आप यहाँ पर डिटेल्स पूरी चेक कर सकते हैं हर बेंच की, लखनऊ की, सभी की। तो जैसे ही केस लिस्टेड होता है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट दी जाएगी, तब तक आप इस तरह से चेक करते रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें अपने साथियों के साथ।